लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की में हुआ यह एक्सीडेंट और उन्हें फिलहाल दिल्ली रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गंभीर रूप से घायल है, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जैसे जानकारी आती है आपको अपडेट करेंगे। देहरादून के अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं ऋषभ पंत की कार का हुआ है एक्सीडेंट और प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। जीएस विवेक हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। जीएस विवेक बताइए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में हैवी फॉग है, तो वापस आते हैं हैवी फॉग में जो है एक्सीडेंट है। उसके बाद कार प्लेन आगे आग लग गई कार में और ऋषभ पंत पीछे बैठे हुए थे। जीएस प्लीज नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हमें पता है कि उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे की चपेट में पूरे सारे इलाके हैं और ऐसे में ऋषभ पंत की गाड़ी अगर टकराती है तो ये हम सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं कि हो सकता है कि हालात वहां पर इसी तरीके के रहे।